हेलो क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, क्लास 11, चैप्टर फर्स्ट. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज अ इंडस्ट्रीज, सेकेंड इज अ कॉमर्स. इंडस्ट्रीज को भी तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. इसी तरह से कॉमर्स को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, ट्रेड एंड एक्सेसरीज टू ट्रेड. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जो एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. अब आप लोगों को ये समझना है प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शरी क्या होती है. प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि नेचुरल कोई भी प्रोडक्शन से, नेचुरली जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं उससे कोई चीज़ बन रही है. अब एक्सट्रैक्टिव में जैसे फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, लैम्बरिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, डैट कम इनटू द एक्सट्रैक्टिव. अब उसको आप समझेंगे कैसे कि कौन सा एक्सट्रैक्टिव है, कौन सा जेनेटिक होगा. जो चीज़, जो भी चीज़ लैंड से रिलेटेड होगी, लैंड से खोद, हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तो ज़मीन से खोद करके तेल निकाल रहे हैं, ठीक है. और फिशिंग है तो वो ज़मीन में फिशिंग क्या है कि ज़मीन ही में वो फिशिंग की जाती है, पानी से फिश की जो इंडस्ट्रीज होती है. तो ये एक्सट्रैक्टिव होगी. जेनेटिक क्या होगी, जो कि ऑलरेडी लैंड के ऊपर जो चीज़ हमें दिखेगी, जैसे कैटल ब्रीदिंग फॉर्म, जानवरों का जो फॉर्म होता है, जैसे काऊ है खूब सारे कलेक्टिवली, तो उनसे हम लोग दूध का काम कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा, ये भी जेनेटिक में आएगी. पोल्ट्री फॉर्म है, पैसिकल्चरल एंड नर्सरी, दैट ऑल दिस कम इनटू द जेनेटिक. बट आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि फिशिंग इज़ अ पार्ट ऑफ, तो उसमें लिख दिया जाएगा ऑप्शन है प्राइमरी है. प्राइमरी में भी लिखा जाएगा कि एक्सट्रैक्टिव है, जेनेटिक है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है. तो आपको सही चीज़, जब आपको ये वर्ड्स याद होंगे तो आप सही आंसर लगा लेंगे. सेकेंडरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग को दो पार्ट में बांटा गया है, सेकेंडरी को दो पार्ट में बांटा गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. अब हम लोग जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. कोई भी रॉ मटेरियल हुआ, रॉ मटेरियल दैट इज़ अ वेरी बेसिक मटेरियल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स. तो गुड्स को जो मैन्युफैक्चरिंग करना है तो वी हैव टू नीड रॉ मटेरियल. अब उसका भी एक प्रोसेस होता है, जैसे एक कार इंडस्ट्रीज है, वो क्या कर रही है, कार उसको बनाना है. तो वो सारी चीज़ जो अपनी खुद की नहीं बनाती है, वो मशीन है तो वो दूसरे कंट्री से लेकर के आएगी, इंजन और टायर है तो वो दूसरे कंपनी का होगा. वो सिर्फ और सिर्फ अपना मॉडल प्रेजेंट करेगी और अपनी सर्विसेज देगी. तो मैन्युफैक्चरिंग, एनालिस्टिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, ये चार इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करता है. कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम है, ब्रिज है, रोड है, टनल्स, कैनल, ये सारी चीज़ जो होती है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगी. और ये किसका पार्ट होता है, सेकेंडरी का. टर्शरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी के एक बेसिक हो. प्राइमरी अपना काम तब तक नहीं कर सकती जब तक टर्शरी जो है अपने काम को अच्छे से नहीं प्रोवाइड करे. अगर ये टर्शरी ना होती तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए वर्किंग जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ देना, तभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉय दूसरे से इजीली बात कर सकते हैं. बिजनेस बैंकिंग फैसिलिटीज़ देना, इंश्योरेंस ताकि रिस्क को बियर कर सके, रिस्क बियरिंग जो भी गुड्स हो उससे रिलेटेड इंश्योरेंस ले लेना. वेयर हाउसिंग क्या होता है कि स्टोर रूम को बोला जाता है. तो अब हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में वेयर हाउसिंग का कितना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना वेयर हाउसेस बनाती है. जो भी उसका एक रॉ मटेरियल होता है, ये फाइनल जो गुड्स होता है वो वेयर हाउसेस में रखती है. और एडवर्टीजमेंट का तो रोल हम लोग जानते, आप लोगों को पता ही है कि एडवर्टीजमेंट जो है, आज हमें कुछ भी गुड्स की सर्विसेज की नॉलेज है तो वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू है. तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रीज के बारे में. अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स. कॉमर्स को भी दो पार्ट में बांटा गया है, ट्रेड एंड एक्सेसरीज टू ट्रेड. अब ट्रेड में दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल में होगा होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड क्या है, ये दोनों ट्रेड जो है, अब आप लोग इससे बहुत ही फैमिलियर है, जो आपके आसपास की जो शॉप है वो रिटेल ट्रेड है.
होलसेल ट्रेड क्या है, जहाँ पे बल्क में सामान मिलता है और एक ही तरह का सामान मिलता है। रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि कई तरह के वैरायटीज ऑफ द गुड्स आर अवेलेबल इन द शॉप एंड वॉट एवर द कस्टमर नीड दे कैन अचीव दे कैन परचेज एनीथिंग, तो वह रिटेल में होता है। एक्सटर्नल क्या होता है, जो हमारी एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन होता है वो ट्रेड होता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक कंट्री या दूसरे कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है उसको बोला गया एक्सटर्नल ट्रेड। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट, आप लोग इस चीज़ के वर्ड से बहुत फैमिलियर होंगे। इम्पोर्ट जो हम दूसरे कंट्रीज से अपना कुछ भी सामान अपने कंट्रीज में मंगाते हैं वो इम्पोर्ट होगा। एक्सपोर्ट क्या होगा, अपनी कंट्री से कोई भी सामान दूसरे कंट्रीज में भेज रहे हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट। इंट्रापोर्ट क्या होता है, एक कंट्री से हमने ख़रीदा दूसरी कंट्रीज में उसको बेच दिया, उसकी पैकिंग अच्छी कर लिया, उसमें और अच्छे जो भी चार्जेस होंगे उसको और ऐड करके प्रॉफिट पे दूसरी कंट्रीज में उसको सेल करती है, तो वो इंट्रापोर्ट होती है। एलेक्सरीज टू ट्रेड जस्ट लाइक अ टर्शरी इंडस्ट्रीज, तो ये भी हमारे जो है कॉमर्स को, कॉमर्स इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि जिसमें प्रॉफिट अर्निंग एडेड हो। अब यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, तो इंडस्ट्रीज़ अगर डिफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज़ इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स एंड मटेरियल्स, तो जो भी मटेरियल गुड्स से रिलेटेड जितने भी वर्क हो रहे हैं उसको बोला जाएगा इंडस्ट्री। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है तो वो कॉटन को प्रोडक्शन करती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को वो करेगी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, मगर यहाँ पे एक एनालिटिकल सिंथेटिकल प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल क्या होता है, जैसे ऑयल रिफाइनरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑयल से रिलेटेड काम करना है, तो सिर्फ ऑयल ही नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ उसको केरोसिन भी होगा, क्रूड ऑयल भी होगा, डीजल भी होगा, तो बहुत सारे। अब हर चीज़ को अलग अलग पार्ट कर देना, हमने ऑयल, अब क्या हुआ कि ऑयल के साथ साथ हमको केरोसिन भी मिला, डीजल भी मिला, तो वी हैव टू सेपरेटेड ईच पॉइंट ईच गुड्स, ये होगा एनालिटिकल। असेंथिकल क्या होगा, जैसे कि दो गुड्स को मिला कर, दो मटेरियल को मिला करके एक मटेरियल बनेगा, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग क्या होगा, प्रोसेसिंग में अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पेपर का, तो पेपर हमारा बनता किससे, वुड से। वुड जो है, अब हम वुड क्या है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स को लिया और उसमें जो है सिर्फ वुड से ही नहीं, अभी बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे और उस प्रोसेसेस के बाद तब जा कर के हमको फाइनल में क्या मिलेगा, एक पेपर मिलेगा। सिमिलरली शुगर, शुगर हमको किस फॉर्म में मिलती है, एक क्रिस्टल के फॉर्म में होती है, बट शुगर केन से हम लोग शुगर का एक वो रस बनाते हैं, उसके बाद उसको पकाया जाता है, बहुत सारे स्टेप होते हैं तब जा कर के हमको शुगर मिलता है, तो ये चीज़ होगा। अब प्रोसेस में क्या होता है कि एक अगर हमारा एक सेमी गुड्स है तो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। असेंबलिंग क्या है, असेंबलिंग जस्ट लाइक अ टीवी है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, अगर हम किसी भी गुड्स को हम कंप्यूटर बोल रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि उसमें सिर्फ मॉनिटर ही नहीं इंक्लूड होगा, उसमें हमें CPU, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ऑल द थिंग्स विच आर बेसिक फॉर कंडक्टिंग द वर्किंग ऑफ एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग एनी थिंग, तो उसको हम कंप्यूटर तभी बोल सकते हैं जब उसके सारे फंक्शंस जो है अवेलेबल हो। कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स ही आप लोग जो है कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, अगर कोई भी आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, तो कॉमर्स क्या होता है, ऑल दोस एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, तो कॉमर्स क्या है कि वो सारे एक्टिविटीज़ जो एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है वो रिलेटेड होगा हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर तक। अल्टीमेट क्या है, जो फाइनल कंज्यूमर तक, वो सारी एक्टिविटीज़, वर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या है, जैसे कोई भी प्रोड्यूसर्स ने कुछ गुड्स प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करके वो डायरेक्टली हमारे पास भेज रहा है, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा।
मगर प्रोड्यूसर हमको डायरेक्टली नहीं भेजता है, वो एक प्रोसेस के थ्रू आता है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। प्रॉब्लम्स को क्या बोला जाता है, हैंड रेसेस। तो कॉमर्स क्या है, इन सारे प्रॉब्लम्स को भी रिमूव करता है, जैसे हेल्प इन रिमूविंग द हैंड रेसेस ऑफ पर्सन, पर्सन के जो हैंड रेसेस है उससे रिलेटेड कॉमर्स जो है इसको रिमूव करेगा। ऑल द A large variety of the goods are produced by the group of the persons called producer and these goods produced for another group of the person is called consumer। हम लोग जानते हैं जब भी गुड्स बनाया जाता है तो वो कई सारे लोग मिल करके बनाते हैं, कोई एक पर्सन मिला करके कोई भी एक सामान नहीं बना सकता। ये लोग जो ग्रुप ऑफ द पर्सन मिल के बनाएंगे उनको कहा जाएगा प्रोड्यूसर। अब ये लोग किसके लिए बना रहे, किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पर्सन के लिए। अब ग्रुप ऑफ द पर्सन क्या है कि वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि हम किस एज के लोगों के लिए सामान बना रहे हैं, टीनएजर्स के लिए बना रहे हैं, चाइल्ड के लिए बना रहे हैं, कि ओल्ड एज के लिए बना रहे हैं, कि 80 प्लस के लिए बना रहे हैं, कि 70 प्लस के लिए ये गुड्स है, तो ये ग्रुप ऑफ द पर्सन उसको बोला गया। तो ये अगर ये लोग बहुत ज़्यादा गुड्स बना लें और इनके तक पहुँचेगा नहीं तो इनका गुड यूज़लेस हो जाएगा। तो कॉमर्स इसको इनडायरेक्टली यहाँ पे हेल्प करता है, हेल्प इन रिमूविंग द हैंड रेसेस ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस में कैसे हेल्प करेगा, तो अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिलेट नहीं करता हमारे कंज्यूमर से, या कोई भी प्रोड्यूसर हम तक नहीं आप पहुँच पाता डायरेक्टली, तो उसके लिए एक वे होता है कि वो उसको एक डायरेक्ट जाना है, उस रास्ते में जो है वो कई सारे होलसेलर रिटेलर्स को अपॉइंट कर लेगा। तो ये सारे एक वेज होते हैं जो कि एक उसके गुड्स का यूटिलाइज हो जाएगा कंज्यूमर तक। यहाँ पर क्या है, हैंड रेसेस ऑफ टाइम। टाइम का क्या है, जैसे सम ऑफ द गुड्स आर प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर सीजन ओनली बट दे आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। कुछ गुड्स हैं जिसकी डिमांड जो होती है सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम, जो इसका प्रोडक्शन पर्टिकुलर टाइम पर होता है, मगर उसकी डिमांड साल भर होती है। कैसे, जैसे हम अगर हम लोग देखते हैं अचार को, तो ये सिर्फ आम का जो सीज़न होता है उसी में ही इसका यूजफुल है, वहीं पर ही हमको मिलेगा उसी सीज़न। मगर इस अचार को क्या हम लोग सिर्फ आम के सीज़न में अचार खाते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग साल भर इसको यूज़ करते हैं। तो इन सारे चीज़ों से भी रिलेटेड जो है वो सारे कॉमर्स हेल्प करता है। एक्सचेंज क्या, हैंड रेसेस ऑफ एक्सचेंज को रिमूव करने पे। अब यहाँ पर दो कंट्रीज़ के बीच में अगर ट्रेड हो रही है, जैसे कि अमेरिका के बीच में हो रही है, दूसरा इंडोनेशिया के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो अब इन दोनों यहाँ पे एक इम्पोर्टर बैठे हैं, यहाँ पे एक एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं, तो अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना इनको इनकी करेंसी में चाहिए डॉलर में, और इंडोनेशिया को इंडोनेशियन जो करेंसी है उसमें उनको अपना पेमेंट चाहिए। तो यहाँ पे कॉमर्स क्या है, वो हमारे इन्हीं सारे चीज़ों की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, वो एक एक्सचेंज फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जा सके। रिस्क, वी नो दैट रिस्क इज़ एवरीवेयर। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो रिस्क ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है। देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क विच आर बिजनेस मैन हैज़ टू फेस, जैसे इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ द कॉमर्स हेल्पिंग रिमूविंग द हैंड रेसेस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन टू बी इंश्योर्ड। अब रिस्क जो है बिजनेस का एकदम सगा दोस्त है, जहाँ पर बिजनेस है वहाँ पर रिस्क ज़रूर है। अगर रिस्क नहीं ले रहे इसका मतलब हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर रिस्क से बचाने के लिए कुछ ना कुछ हमें डिसीज़न लेना पड़ता है, जैसे इंश्योरेंस ले लिया। अब कोई भी कंपनी है उसने वो बिजनेस कर रही है, तो अब उसको लगता है कि हमारा लॉस फायर से भी हो सकता है, थेफ्ट से भी हो सकता है, या कोई भी तरह से लॉसेस हो सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन से या अंडर प्रोडक्शन से या डिमांड से या सप्लाई से किसी भी तरह से लॉसेस हो सकते हैं, तो वो इंश्योरेंस परचेज कर लेगा। तो कॉमर्स इसमें हेल्प करता है, नॉलेज में जो लोगों को इन सारे न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और हमारे प्रोड्यूसर को हमारे डिमांड को बताना कि हमारे कंज्यूमर किस तरह की चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ चुके हैं, और एलेक्सरीज ऑफ ट्रेड तो हम लोग जानते ही हैं कि बिजनेस है, सॉरी फाइनेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, और वेयर हाउसेस है, एंड लास्ट एडवर्टीजमेंट। तो ये चीज़ जो है हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है। अगर ये चीज़ ना अवेलेबल, इंश्योरेंस ना, वेयर हाउसेस ना, ट्रांसपोर्टेशन ना, तो कोई भी बिजनेस जो है वो एग्जिट हो ही नहीं सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है लॉट्स दिक्कतें आती हैं। अब वर्ड आ रहा है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है,
ये वर्ड अभी हम लोग ने पढ़ा ना कि बिजनेस के साथ रिस्क इन्वॉल्व होता है. द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट एंड इवन लॉसेज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज और सम अनप्रेडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड अनफेवरेबल इवेंट विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस मैन इज कॉल्ड अ बिजनेस. जो कुछ ऐसे से हमारे अनप्रिडिक्टेबल है अनसर्टेनिटीज़ है. अब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो है, लॉस भी है, उसके साथ साथ रिस्क है. तो रिस्क है, रिस्क किसी को भी नहीं पता है कि हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं इसमें कितना ज़्यादा हमें लॉस होगा या कितना हमको प्रॉफिट होगा. तो इसीलिए कहा जाता है कि वो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है. अचानक कोई भी बिजनेस मैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, गवर्नमेंट उठी उस बिज़नेस को कहे, उसने अलाउ कर दिया कि इस टाइप का बिज़नेस नहीं चलेगा, तो उसका तो लॉस हुआ. जैसे अभी हम लोग कोविड के टाइम पर देख रहे थे, अचानक से एक ऑर्डर आया कि अब जो शॉप नहीं खुलेगी, ये वो बहुत सारे. तो इसमें क्या हुआ, ये हम ही लोग अच्छाई के लिए थी, मगर ये क्या हुआ कि बिजनेस मैन ने कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कोविड जैसी बीमारी आ जाएगी और हम लोगों का इतना ज़्यादा लॉसेस होगा कि हमारी GDP जो है वो माइनस में चली जाएगी. तो ये अनप्रिडिक्टेबल था, किसी ने भी नहीं प्रिडिक्ट किया था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया था. तो डैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल. और ये चीज़ जो होता है बिजनेस मैन के कंट्रोल में नहीं होता है, कंट्रोल से बाहर होता है, इसीलिए इसको कहा गया बिजनेस रिस्क. कितने तरह के बिजनेस रिस्क होते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं, प्योर है, इंश्योरेबल है, नॉन इंश्योरेबल है. स्पेकुलेटिव क्या होता है, स्पेकुलेटिव जहाँ पे वर्ड आए तो वहाँ पे हमेशा समझ लीजिएगा कि लोग अनुमान लगाते हैं, एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, हाँ फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा. जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड में एक अफवाह भी उड़ जाएगी कि हाँ अब बहुत जल्दी सोने का दाम बढ़ने वाला है, तो लोग जो है उसको और ख़रीदना शुरू कर देंगे. जैसे जैसे वो ख़रीदना शुरू करेंगे उसे उसके डिमांड की वजह से जो है गुड्स उस गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. तो स्पेकुलेशंस क्या होती है, स्पेकुलेशन रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस एज वेल एज द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट. अगर एक बिजनेसमैन के हिसाब से देखा जाए तो जो स्पेकुलेशंस होता है वो लॉसेस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है. अब हमने कोई डिसीजन लिया, अचानक से कोई डिसीजन और आ गया, या हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि हमारा प्रॉफिट सिर्फ 50 लाख जाएगा, बट वो गुड्स जो है हमारे कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो हमें मिल गया 1 करोड़ रुपए. तो ये इसी को बोला जाता है स्पेकुलेटिव. ये प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी दे सकता है. सेकंड है प्योर रिस्क. प्योर रिस्क क्या होता है कि जिसमें पूरी तरह से रिस्क ही रिस्क भरा, जैसे अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड है, फायर है, तो ये क्या है, ये पूरी तरह से इसमें रिस्क है. इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, इंश्योरेबल रिस्क होता है जैसे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से कुछ जो है इंश्योर कर लें कि नहीं अगर ये लॉसेस होगा तो हम उससे पहले ही अपने आप को इंश्योरेंस कर लें. तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का भी काम करता है, मगर इसको हम समझ सकते हैं इंश्योरेबल रिस्क आर दोस रिस्क विच आर कवर्ड एंड इंश्योर्ड बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज कैन बी डिटरमाइंड. जहाँ पे हमको लगता है कि हाँ फ्यूचर में वो ये चीज़ हमको दिक्कत करेगी, या ये ऐसा एक इंश्योरेंस ऐसा एक डिसीजन लिया है जिसमें श्योर है कि यहाँ पे लॉसेस होने ही होना है, तो वहाँ पर क्या होता है लोग इंश्योरेंस परचेस कर लेते, इंश्योरेंस उस चीज़ का ले लेते, तो इसे कहा गया इंश्योरेबल रिस्क. नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से अचानक से बंद हो जाए, डिमांड और सप्लाई किसी चीज़ की चेंज हो जाए, या प्राइस में फ्लैक्चुएशन आ जाए, ऊपर नीचे प्राइस जो है अचानक से, जैसे कि नमक 10 रुपए का था अचानक से 100 रुपए का बिकने लगे, प्याज जो है 100 रुपए की थी अचानक से 150 के बिकने लगे, 200 की, तो क्या है नॉन इंश्योरेबल रिस्क है जिसको कोई डिटरमाइन ही नहीं कर सकता. नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क, पहली चीज़ सबसे पहले कि इसमें अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती, अनसर्टेनिटीज ना होंगी तो वो बिजनेस ही नहीं कहलाएगा. रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. हर एक बिजनेस का एक सबसे एसेंशियल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, रिस्क होता है. इसीलिए एक ऑथर ने क्या कहा है, एक इकोनॉमिस्ट ने कहा, ऑथर नहीं कहेंगे, एक इकोनॉमिस्ट ने कहा, पीटर एफ डकर एक इकोनॉमिक्स नहीं है, ये एक मैनेजमेंट के एक पर्सन है, उन्होंने बोला है रिस्क बियरिंग इज़ अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस.
एक रिस्क बियरिंग जो है, रिस्क को लेना, ये बिजनेस की बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट। अगर कोई रिस्क नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो बिजनेस नहीं कर रहा है। डिग्री ऑफ द रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। कहीं कभी अगर डिग्री का होगा कितने परसेंटेज रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस बड़ा है या वो उस तरह का बिजनेस कर रहा है जहाँ पे प्राइस अचानक से अप डाउन होती रहती हो, तो वो डिपेंड कर, वो चीज़ जो है जिसकी प्राइस अचानक से फ्लक्चुएशन होती हो, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ रिस्क हाई होता है। अब गैम्बलिंग क्या है, अगर हम लोग गैम्बलिंग देखें या कोई भी ऐसी चीज़ होगी, लॉटरी देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि हमको पता है कि यहाँ पे 99% हमारा लॉसेस है, मगर हो गया हमारा अच्छा, हमारा लॉटरी निकल गई, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या डिग्री ऑफ रिस्क ज़्यादा होते हैं। प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड एंड रिटर्न फॉर रिस्क टेकिंग। अगर हम किसी चीज़ बिजनेस में प्रॉफिट कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक रिवॉर्ड है जो हमने रिस्क लिया। अब कोई भी पर्सन अगर रिस्क नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट जो है उसका एक रिवॉर्ड नहीं होगा। प्रॉफिट हमेशा बिजनेस में क्या होता है, वो एक रिवॉर्ड होता है फॉर टेकिंग ऑफ रिस्क। कॉजेस क्या है बिजनेस रिस्क का, नेचुरल कॉजेस होते हैं एंड ह्यूमन कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस एंड अदर कॉजेस। ये चार पांच कॉजेस होते हैं जो इसकी वजह से बिजनेस नेचुरल होते हैं, जो नेचुरली गॉड गिफ्टेड जो भी परेशानियाँ आती हैं, अर्थक्वेक हो गया, कोई भी एक स्नोफॉल हो गया, किसी भी तरह का कोई एपिडेमिक आ गया, जैसे अभी हम लोगों का क्या हुआ था कोविड, तो ये क्या नेचुरल कॉजेस हुए। ह्यूमन कॉजेस क्या हुए कि हम ह्यूमंस की वजह से ये स्ट्राइक हो जाना, एम्प्लॉयज में आपस में झगड़ा हो जाना, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज या रिवॉर्ड्स में हो जाना, तो ये सारी चीज़ क्या ह्यूमन कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस क्या होते हैं, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो अचानक से चेंज हो जाना, तो वो इकोनॉमिक कॉजेस। रिसेशन हो जाना, मार्केट का जो है टेस्ट बदल जाना, तो ये सारे आ जाएंगे हमारे इकोनॉमिक कॉजेस में। अदर कॉजेस में क्या आते हैं, जैसे पॉलिटिकल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे देयर आर मैनी फिजिकल कॉजेज एंड पॉलिटिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज इंक्लूड टेक्निकल एंड मैकेनिकल। फिजिकल जैसे कि अब अचानक से बहुत ही इनोवेटिव मशीन्स आ गई, तो वहाँ पे लेबर को हटा करके मशीन रख लिया गया, तो ये भी एक क्या है, अब हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमारी डैमेज हो गई, तो ये इनोवेशंस भी जो है ये भी एक रीज़न है हमारे रिस्क का। और दूसरी चीज़ें पॉलिटिकल अगर कहा जाए, चेंज गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द मिल्क आइसक्रीम, तो ये सारे टैक्सेशन एक्साइज ड्यूटी, गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो हर चीज़ का रेट जो होता है अप डाउन होता ही है, किसी चीज़ का अप होगा किसी चीज़ का डाउन होगा। लाइसेंसिंग, पहले एक गवर्नमेंट ने लाइसेंस इस तरह के की चीज़ों को अलाउ किया था, दूसरी गवर्नमेंट आई और उसने क्या किया कि इस तरह कोई भी तरह का बिजनेस है वहाँ पे लाइसेंस जो है उसने कहा कि ये इस पार्टिकुलर टाइप का बिजनेस पे यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो वहाँ पे लाइसेंसिंग जो होगी वो रद्द हो जाएगी। तो ये एक तरह से ये अदर कॉसेस हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था बिजनेस स्टडीज़ का। यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट यू कैन आस्क मी, एंड आप लोगों को हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना है। बिजनेस रिस्क बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज़ कि हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, एक्सट्रैक्टिव क्या है, जेनेटिक क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, एंड एलेक्सरीज ऑफ द ट्रेड क्या हुआ। तो ये सारे एक एक पॉइंट्स आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर थे, यू कैन राइट इजिली इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।